नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। अंतिम दौर में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का रण। उपचुनाव के लिए आज चुनावी प्रचार थम जाएगा और आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। तो बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी ताकत आज शाम 5 बजे तक झोंक सकेंगी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इस चुनाव में। 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को परिणाम आ जाएंगे और अंतिम दौर में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का रण। तो उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी ताकत झोंकती हुई आज नजर आने वाली है। वोटिंग 8 सितंबर को आएगा परिणाम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का रण अंतिम दौर में और बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ चुके हैं। तो सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद सूर्यकांत जी। तो आज चुनावी प्रचार थम जाएगा 5 बजे और इस चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पूरी तैयारी है और जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि लोगों को डराएं, धमकाएं, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लोगों के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको नापा जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, पैसे के बल पर वोट खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरह का हथकंडा इस समय बीजेपी अपना रही है, लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का। तो मुझे लगता है कि इस समय मुंह की खानी पड़ेगी, इस समय इनके सारे हथकंडे काम नहीं आए। बिल्कुल सूर्यकांत जी, और इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? चुनौती जो धनबल का इस्तेमाल, बाहुबल का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और चुनौती कुछ नहीं है, जनता तो वोट देना चाह रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती है। अंकिता भंडारी का जो इतना बड़ा कांड हुआ है जिसमें पूरा आरएसएस और बीजेपी का परिवार जिन्होंने हत्या करवाई अंकिता भंडारी की, वो पूरी बागेश्वर की जनता को सबक सिखाना चाहती है। जिस प्रकार से भर्ती घोटाला करके विश्वासघात किया बेरोजगार नौजवानों के साथ उत्तराखंड के, और पूरा का पूरा जो घोटाला करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो हाकम सिंह हो चाहे संजय धारीवाल हो। सूर्यकांत जी सुनेंगे, बिल्कुल ठीक है सूर्यकांत जी सुनेंगे। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से एक्स एमएलए लखीराम जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। तो लखीराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जी जी बिल्कुल लखीराम जी, सूर्यकांत धस्माना जी की तमाम बातों को आपने सुना है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में काफी ज्यादा घोटाले हुए हैं और वो साम दाम दंड भेद लगाकर ये चुनाव जीतना चाह रही है। आपका क्या कुछ कहना उनके इस बयान पर? देखिए, बागेश्वर में जो अपने स्वर्गीय चंदन राम दास जी थे वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं, वहाँ उनका अकस्मात जो है वो देहांत हुआ और उसके बाद जो है वो सीट पर जो है चुनाव हो रहा है। 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय वहाँ जनता के बीच में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का वहाँ अटूट विश्वास है, इसी कारण से 4 बार वो विधायक रहे और आगे भी जो है उनकी पत्नी इस समय प्रत्याशी है, तो निश्चित जो है उनके प्रति भी लोगों का पूरा विश्वास है और उनको भारी बहुमत से इस समय विजयी बनाएंगे। बिल्कुल। और लखीराम जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप इस मैदान में? आज चुनावी प्रचार भी थम जाएगा तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां? मैंने देखिए तो लोगों का चूंकि विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और जहां तक जो चुनौतियां हैं तो चुनौतियां तो कोई इसमें जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने खूब अफवाह फैलाने का प्रयास किया है, तमाम तरह से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन लोग सारी बातों को समझते हैं और जानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय जो प्रदेश नेतृत्व है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री है उनके युवा नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तमाम जो है विकास की योजनाएं है वो लागू हो रही हैं,
लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है, तमाम चीजें इसमें जो है लोगों का बड़ा भारी सहयोग जो इसमें पार्टी को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और उसी के परिणाम स्वरूप हम समझते हैं कि इसमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लोगों की सहानुभूति भी जो है इस समय जो हमारे प्रत्याशी उनके पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पहले से विश्वास रहा है लोगों का, इसलिए तो चार बार से वहाँ वो विधायक रहे हैं और उनका इतना अच्छा नेटवर्क था वहाँ पर, इतना अच्छा जो है इतने जनप्रिय थे, तो अकस्मात हमारे बीच में चले गए, दुखद है। लोग जो है अपने एक श्रद्धांजलि के रूप में भी जो है उनको वोट करना चाहते हैं, और इसमें जो हमारी प्रत्याशी वहाँ थे वो भी बहुत लोकप्रिय है वहाँ, और वो भी जो है पहले से सामाजिक कार्यों में लोगों के बीच में उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा है, तो उनको भी निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फायदा मिलेगा। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे सुरकांत धस्माना जी का। सुरकांत जी, तमाम बातों को आपने सुना है, जीत का दावा बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उनके सामने किसी भी तरह की चुनौती नहीं है, ये चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, उनका इस तरह का बयान, आपका क्या कुछ कहना? देखिए लाखीराम जी मेरे परम मित्र हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बेशक बीजेपी ने जो उपेक्षा उनकी करी है, जितने योग्य लोग हैं बीजेपी में उनकी उपेक्षा रखी है, वो मेरे बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया, और वो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि बीजेपी के पास इसका जवाब ही नहीं है। अंकिता भंडारी की हत्या हो गई, और अंकिता भंडारी की हत्या किसने करी? अंकिता भंडारी को जिस कुकृत्य में ढकेलने की कोशिश की गई वो सारा पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जानता है। इतना बड़ा अपराध महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा पूरे राज्य में हो रही है, हमारे देखिए उत्तराखंड की जो धुरी है विकास की वो महिला है, महिला ही पूरे चारों तरफ उसके विकास घूमता है, चाहे चूल्हा हो, चौका हो, घास हो, लकड़ी हो, जानवर हो, परिवार हो, खेत हो, खलिहान हो, सब कुछ महिला के ऊपर निर्भर है। और जिस प्रकार से अंकिता भंडारी का कत्ल किया गया, जिस प्रकार से पहले उसको वैश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की गई, जब उसने नहीं, उसने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई, वो पूरा उत्तराखंड देख रहा है, और बागेश्वर तो इस बार इसी मुद्दे पर वोट देने जा रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ, हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत का सदस्य और संजय धारीवाल बीजेपी का ब्लॉक का अध्यक्ष, ये दोनों लोग हैं मुख्य आरोपी जिन्होंने पूरा का पूरा जो भर्ती घोटाला हुआ है, जिसमें करोड़ों हमारे लाखों बेरोजगार नौजवानों का जो उनका एक सपना होता है कि हमें नौकरी मिलेगी, उस सपने पर जो इतना बड़ा विश्वासघात किया गया वो बीजेपी के लोगों के संरक्षण में किया गया, और जिन लोगों के संरक्षण में किया गया उसका पता के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच ही नहीं की गई, बल्कि उल्टा जो इसमें पूरे भर्ती घोटाले में लोग फंसे उन लोगों की जमानतें हो गई। तो ये सारे प्रकरण है, राज्य में विकास है, महंगाई इतनी पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में कमर तोड़ी हुई है महंगाई ने, ये सारे मुद्दे हैं, लोग बागेश्वर के वोट देना चाहते हैं, लेकिन वहां वोटों को खरीदने का काम भी हो रहा है लोगों को। आपने वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी के लोग, दबंग लोग वहां पर वोटर्स को धमका रहे हैं, बोल रहे हैं वोट नहीं दोगे तो तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारी औकात दिखा देंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर बाजारों को तोड़ा जा रहा है, सड़क किनारे जो जितने निर्माण है उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय भारी आक्रोश है, और आपको कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब बागेश्वर में दिखाई पड़ेगा, ये निश्चित है। बागेश्वर में कांग्रेस जीत रही है, अब ये अपना साम दाम गत भेद जिस प्रकार से वोटरों को निकलने न दे, वोटर्स को वोट ही न डालने दे, वोटों को खरीदने का काम करे, नकली फर्जी वोटी कराए, वो एक अलग बात है, तो उसमें उनको ये आत्मविश्वास हो सकता है कि हम जीतेंगे, लेकिन आपको मैं निश्चित बताऊंगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पर होगा तो इनको बहुत मुश्किल पड़ेगा। इस समय कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है और कांग्रेस ही वहां चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल लखीराम जी, तमाम बातों को सुन लिया आपने सुरकांत जी की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव में वोटों को खरीदने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए हमारे ये सूर्यकांत भाई हमारे बहुत प्रेमी है, बहुत अच्छे हमारे सहयोगी है, और देखिए विपक्ष के नाते इनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जो ये विषय उठाए हैं कि जो है ये अंकिता भंडारी हत्याकांड है या नियुक्तियों में घोटाला है, ये सब घोटाला इस तो प्रदेश सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और ये जो है माननीय न्यायालय में इस समय बिचारे दिन सारे मामले हैं, इन पर बहुत जल्दी
प्रयास है सरकार का कि जल्दी इस पर निर्णय आए और दोषियों को जो है इसमें। लखीराम जी, वोटों को खरीदने का जो आरोप लगाया, हम चाहेंगे कि उस बयान पर भी आपकी प्रतिक्रिया। देखो ये तो अगर को भाई इनको कोई अगर कोई समस्या है तो निर्वाचन आयोग को जो है जो अपने निर्वाचन का कार्य देख रहे हैं उनसे उनसे शिकायत कर सकते हैं। और ये सब पारदर्शी जो चुनाव हो रहा है बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है और इसमें जो है पूरी पारदर्शिता और पूरा जो है जो चुनाव की आचार संहिता है उसका पालन हो रहा है और कहीं किसी को खरीदने फरोखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ इतने लोकप्रिय हमारे विधायक रहे हैं, चार बार जो लगातार विधायक रहे हैं। तो ये सब जो है देखिए खरीद से फरोखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इस प्रकार के आरोप लगाने तो कोई औचित्य ही बनता है। और वो तो इतने लोकप्रिय थे, हमने कहा ना उनकी पत्नी भी जो हमारी प्रत्याशी है इस समय वो भी जो है सामाजिक कार्यों में उनका बहुत बड़ा यहाँ योगदान रहा है, बहुत अच्छा उनकी सक्रियता रही जनता के बीच में, उनको वैसे पार्टी की तरफ से जनता की तरफ से बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनकी सीट निश्चित है। इसमें जो है कहीं खरीद फरोख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व विधायक बीजेपी से हमारे साथ लखीराम जोशी जी जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बात को रखा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का रणका आज आखिरी दौर और 5 सितंबर को इसकी वोटिंग होगी, 8 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा और आज चुनावी प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा और सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायकों ने सत्र में अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं और विपक्ष कई मुद्दों को सत्र में उठाने का काम करेगा। तो विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट भी पेश होगा और विधायकों ने सत्र में अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्र में अपनी आवाज बुलंद करता हुआ। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नवीन, विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के पहले ही दिन अनुपूरक बजट भी पेश होगा, विपक्ष की भी तमाम तैयारियां, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा, निश्चित तौर पे 5 सितंबर को जो है विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाने जा रहा है। इसके साथ ही जो तमाम सारी तैयारियां हैं उसको भी करने का काम किया गया है, प्रश्नों के सही उत्तर, सटीक उत्तर मिले और प्रश्नकाल अधिक से अधिक समय रखा जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। वहीं विपक्ष भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, बेरोजगारी के मुद्दे हुए या फिर अन्य मुद्दे हुए, इस मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। और इस बार का जो मानसून सत्र है काफी हंगामेदार होने की भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि विपक्ष लगातार तमाम सारे सवालों को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ये मानसून सत्र है इस काफी हंगामेदार होने की जो है संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, प्रश्नकाल पूरी तरीके से चले, ज्यादा समय तक चले, मानसून जो सत्र है उसे ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाए इसकी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, इसका खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही मैं विधानसभा सत्र की जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात करूं तो उसको भी चाक चौबंद करने की बात की गई है। 300 मीटर के जो दायरे हैं उसे वहां पर धारा 144 लागू रहेगी, वहां पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन और अन्य जो तमाम चीजें हैं वह नहीं होने पाएंगी, वाहनों को वहां पर नहीं आने दिया जाएगा। 300 मीटर का जो दायरा बनाया गया है वहां पर धारा 144 लागू रहेगी और पुलिस बल तैनात रहेगी। साथ ही अगर रिस्पना पुल और तमाम जगहों की बात करें तो कुछ जगहों पर रूट डायवर्ट भी किया गया है जिससे कि जो विधानसभा के तरफ जो ट्रैफिक जाने वाला है उसे रोका जा सके और विधानसभा में जो लोग आ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन वाले लोग आ रहे हैं उन्हें 300 मीटर पहले ही दायरे में रोकने का काम किया गया है। तो पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। विधानसभा का सत्र पूरी तरीके से सही तरीके से चले, प्रश्नकाल लंबे समय तक चले, प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से मिल पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही तो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं हंगामेदार कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर बागेश्वर
विधानसभा सीट उपचुनाव के प्रचार का शोर अंतिम चरण में पहुंच गया है और बीजेपी स्वर्गीय चंदन राम दास के निधन के बाद उनकी पत्नी को मौका मिलने को लेकर सहानुभूति के रूप में दिखाएगी। वही कांग्रेस प्रत्याशी भी दो बार हुई हार के बाद एक मौका देने की मांग को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कौन बनेगा विधायक? बसंत कुमार पर कांग्रेस का दांव। क्या पार्वती दास खिलाएंगी कमल? बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां दमखम से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। दरअसल बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होना है, लिहाजा प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जमावड़ा लगा हुआ है। इस राजनीतिक गहमा गहमी में अब सीएम धामी की भी एंट्री हो गई है। सीएम धामी ने बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए, पार्वती दास जी पर ऐसी विपत्ति आ गई। जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष चाहने वाले बैरी दुश्मन जो भी होते हैं सब आके कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई महल है ना, सब लोग जो है उसका हाथ बढ़ाते हैं कि ऐसे समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां आ गई है, जो कठिन समय आ गई, वो कठिन समय में सब लोग को मदद करना की सब आगे बना। तो मैं पूरी सबका देखते मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिन खिना उन्हें धर्म पत्नी पार्वती दास जी अगिल को जो है सब लोग आशीर्वाद देने को नाजुक रहा है। बागेश्वर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक ओर बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी की साख का सवाल बना हुआ है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये जीत संजीवनी का काम करेगी। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही दोनों पार्टियों ने 40-40 स्टार प्रचारक उपचुनाव में उतारे हैं, ताकि इस उपचुनाव को जीत सकें। बागेश्वर का जातीय समीकरण, कुल मतदाताओं की संख्या 1,18,225, ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता 65%, एससी एसटी ओबीसी मतदाता 35%। बीजेपी प्रत्याशी चंदन राम दास 32,211, कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास 20,070, आप प्रत्याशी बसंत कुमार 16,109। फिलहाल हाई वोल्टेज बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 5 सितंबर को मतदान होना है, वहीं नतीजे 8 सितंबर को आने हैं। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को सहानुभूति मत मिलने का भरोसा है, वहीं दो बार चुनाव हारे बसंत कुमार भी वोटरों से आस लगाए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि बागेश्वर की जनता का विश्वास हासिल करके पार्वती दास कमल खिला पाती हैं, या फिर कांग्रेस के बसंत कुमार को जनता मौका देती है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रचार के लिए बागेश्वर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गरुड़ के पास भवनखोला गांव में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्र की समस्याओं को बारीकी से समझा भी और इसी के साथ उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार लोगों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रदेश में ईवीएम मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जा रही है। बताना चाहेंगे कि नैनीताल जिले में निर्वाचन विभाग के पास कई ईवीएम मशीनें हैं जिनकी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चेकिंग की जा रही है। एपीएलसी की जो गाइडलाइंस है भारत निर्वाचन आयोग की, उसके तहत कल से स्टार्ट किया गया है हमारे द्वारा। ईवीएम है, इसमें वीवीपैट है, कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, उसकी एपीएलसी की जा रही है। एपीएलसी का मतलब फर्स्ट लेवल चेकिंग हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसका जो मॉड्यूल है, ईसीआई का जो मॉड्यूल है, उसके तहत सब चेकिंग की जाएगी। ईसीआई के इसमें 10 इंजीनियर आए हैं और हमारे आईटीआई पॉलिटेक्निक के जो यहाँ इंजीनियर है वो लगे हैं और कुछ हमारी लेबर है, इलेक्शन ऑफिस के हम लोग हैं, इसको कर रहे हैं हम लोग।
और हमारी डेडलाइन 12 तारीख है, उसमें हम लोग पूरा कर लेंगे। सर कुछ खराब भी निकल रहे हैं क्या? कल निकले हैं 2 कंट्रोल यूनिट निकले, 2 बैलेट यूनिट निकले हैं और आज भी एक निकल गया है। अभी तक ये 1% 0.5% ये आवश्यक रूप से निकलेंगे और उसकी मरम्मत नहीं करनी हमको, उसको अलग करके अगर ज़रूरत होगी तो हम नई डिमांड करेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो हमारे पास जो सही बचे। वहीं भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भारत के पहले सौर मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी और उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर सराहना की है। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इसरो ने देश को गौरवान्वित होने के अनेकों मौके दिए हैं और चंद्रयान के बाद इसरो ने आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर फिर से देश का मान बढ़ाया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से संपूर्ण भारत का डंका विश्व में बजा है। चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात इसरो के वैज्ञानिकों ने स्पेस के क्षेत्र में आज PSLV C-57 आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक और उपलब्धि प्राप्त की है। मैं इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से वह मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्पेस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए मेक इन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं और सफलतापूर्वक उनकी लॉन्चिंग हो रही है, इसके लिए वैज्ञानिकों की जो एकजुट परिश्रम है, भागीदारी है, उसके लिए उनका अभिनंदन है। उधर हल्द्वानी से विधायक सुमित्र देश ने 1 करोड़ से अधिक की लागत से बनी 4 सड़कों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विधायक निधि सबसे तेजी से खर्च करने वाले विधायक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में चमचमाने वाली सड़क आज गड्ढा युक्त है और वो अपनी तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनका लक्ष्य हल्द्वानी को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाना है। नहीं देखिए, अभी 3 और इसके अलावा अतिरिक्त 4 आज उद्घाटन है, जिसमें से 2 खनन न्यास के मद से हैं और 2 विधायक निधि के हैं। अब आप जानते हैं विधायक निधि सबसे पहले खर्च करने वाला विधायक भी मैं पूरे प्रदेश में था, तो अभी कई सारे लोकार्पण होंगे। लेकिन राज्य सरकार को जो दायित्व निभाना चाहिए, जो संरक्षण देना चाहिए और जो विकास के प्रति सोच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी पाई जा रही है और गड्ढा युक्त सड़कों की आदत हल्द्वानी वासियों को नहीं है, इसलिए बेहद आज कहीं माताजी जहां पे भी होंगी उनकी आत्मा में अवश्य कष्ट होगा। तो अवश्य अभी सत्र भी आने वाला है, इस विषय पे गंभीर तरीके से हम प्रश्न भी उठाएंगे और हमारी तरफ से निजी प्रयास जारी है और विकास की। तमिलनाडु के DMK सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की है और उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद सियासत काफी ज्यादा गर्माने के आसार नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रौरी और वरिष्ठ पुजारी राजा राजेश्वरम ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की कड़ी निंदा की है और दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया और कोरोना से तुलना की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र है और ये जो वक्तव्य है डेंगू मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं, सनातन अपने आप में प्राचीन है, सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा, ये मानसिक दिवालियापन है। वोटों की राजनीति के तहत में इस प्रकार का बयान दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता है ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इनसे पहले भी बहुत सारे उदयनिधि आए थे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। सनातन धर्म तो समाप्त नहीं हुआ लेकिन वो स्वयं अस्त हो गए, इसलिए ये जो उदयनिधि बहुत बोल रहे हैं ये भी बहुत जल्दी बोलते बोलते अस्त हो जाएंगे और सनातन धर्म जो है वो जो सनातन धर्म इस सृष्टि का अनादि धर्म है वो रहेगा, उसको कोई बिगाड़ उसका बाल बाका नहीं कर सकता। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता TV।